हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कंटा न्यूज ब्लॉग। दोस्तों अभी हम श्रीनगर में हैं और यहाँ से जा रहे हैं हम ऋषिकेश। तो अभी हम लोग देवप्रयाग में पहुंच चुके हैं और यहाँ का जो संगम है वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही शानदार संगम है, ये देखिए अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल रही हैं और यहाँ पर गंगा बन जाती हैं। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अपनी बाइक ये खड़ी हुई है। और अभी कितना बज गया प्रभाकर? 10:18 हो चुके हैं और हम लोग 12 बजे तक ऋषिकेश पहुंच जाएंगे आराम आराम से। तो अभी फोटो वगैरह क्लिक करवा के और सब कुछ करके अब हम लोग निकल रहे हैं। 10:45 बज चुके हैं, लगता नहीं है कि 12 बजे हम लोग ऋषिकेश पहुंच पाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से जितना भी टाइम लगेगा। रास्ता बहुत खतरनाक है, बहुत पहाड़ियों वाला रास्ता है, देख ही रहे हो। एक रास्ता वो गया है ऊपर से, एक रास्ता ये गया है नीचे से, तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। चलते अपन धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अभी जस्ट हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और बैग वगैरह रख के रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं। वाह, मजा आने वाला है। अब वैसे प्लान तो नहीं था रिवर राफ्टिंग करने का, लेकिन भाई ने बोला कि कर लो यार, अब यहाँ तक आए तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। ये लेस वगैरह खा के पेट को थोड़ा शांति मिल रही है, वरना तो भाई भूखे थे बहुत ज्यादा। अभी रिवर राफ्टिंग करने के बाद कल लोग खाना खाएंगे बिना पानी के प्रवाह कर राफ्टिंग करते हुए। अभी हम कुछ खाने के लिए आ गए थे। बहुत ही टेस्टी बिरयानी है यहाँ पर, वेज बिरयानी है, बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है। तो हमने तो जब जाने के पहले कुछ खा लेते हैं वरना पेट में कुछ नहीं रहेगा, अजीब लगने लगेगा, फिर गिर गए नदी में। फिर गया ये हमारी नाव कार के ऊपर और यहाँ से नीचे आती है, बाद में पानी में जाएंगे। ओ भाई, तो भाई अबे क्रिकेट नहीं खेलना है। चलो हम लोग सब लोग जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए, रेडी हो चुके हैं। ओए किधर जा रहे तू? हाँ खोदो खोदो, खजाना निकालना आज अपन को, खोदो। नाव आ गई अपनी, यही है। हाँ अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। अरे भाई आराम से, बोट आ चुकी है, हम जाने वाले हैं, फटाफट बैठो। उधम करते रहते। वाह प्रभाकर, मजा आ रही है। वाह बहुत ठंडा पानी यहाँ पे। तो बोला गंगा मैया की जय, की जय, की जय। ओके गो फॉरवर्ड। ओके स्टॉप, फॉरवर्ड चलाओ, पास करो, थोड़ा तेज चलाओ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलाओ, फॉरवर्ड, हेलो फॉरवर्ड करो, हर हर गंगे, हर गंगे। फॉरवर्ड, ओके स्टॉप। तो भाई राफ्टिंग करके आ चुके हैं, कैसा लग रहा है प्रभाकर? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा। अभी गंगा मैया में एक डुबकी लगाया, बहुत ही आनंद आया। तो अभी तो भाई गंगा किनारे हम लोग, 3:30 बज चुके हैं। अब कोशिश करते हैं हम लोग दिल्ली कितने टाइम पहुंच रहे हैं, कितने टाइम पहुंचेंगे,
7-8 हाँ लगभग इतना ही टाइम लग जाएगा, देखते हैं 7-8 या 9 बजे तक भी पहुंच जाए तो ठीक है, फिर कल दिल्ली घूमते अपन बेहतरीन। बोलो हर हर गंगे। फ्रेश हो चुके हैं एकदम, गंगा किनारे ही हैं, सलोनियाँ खा गए हैं, मम्मी ने बना के रखी थी, 10 दिन हो गए आज। क्या 10 दिन पुरानी खा पर बहुत ही अच्छी लग रही है। अब देखो कितना फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, फिर भी हम लोग ने जैकेट पहनी है क्योंकि हम लोग को अभी राइड करनी है। इसीलिए फिलहाल हम वो बाइक के लिए सामने एक झंडी लगाने के लिए आए हैं, और ये हेलमेट बड़ा ही प्यारा लग रहा है, इसको थोड़ा देखते हैं अपन लोग। फिलहाल अंकल से अभी हमने ये लिया है, इसको लगाएंगे अपन अपनी बाइक में, यहाँ ये मिरर में लग जाएगा, बड़ा ही सुंदर लगता है ये। तो हमारी बाइक में ये लग चुका है और इससे लुक बड़ा प्यारा आ रहा है। शुभम बैठा हुआ है गाड़ी पे। तो अभी हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में हैं और निकल रहे हैं यहाँ से, खाना खा के दिल्ली नहीं रुकेंगे अब। बहुत तेज भूख लगाई थी इसके कारण। हाँ ठीक है, लेकिन अब दिल्ली नहीं जा रहे हैं, सीधा घर ही जाएंगे। 1000 किलोमीटर की राइड है भाई। पापा ने देख लो, अबे आज थोड़ी देखेंगे पापा। तो अभी हम खाना खाते हैं, फिर इसके बाद सीधा कंटिन्यूस चलेंगे, और क्योंकि हाईवे हाईवे कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। बीच में थोड़ा रेस्ट लेंगे गाड़ी के लिए, आधा एक घंटे का रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे फिर से, है ना, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो ये आ गया हमारा खाना, और खाना स्टार्ट करते हैं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं राइड को। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गए थे, वहाँ रिवर राफ्टिंग भी करी, बहुत सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से काफ़ी थक गए हैं। तो 1000 किलोमीटर चलाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खाना पीना खा के हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं, और हरिद्वार में हम लोग ने रूम लिया है, यहाँ पर स्टे करेंगे रात, और गंगा मैया के तट पर अभी आपको ले चलते हैं। फिलहाल अभी हम आपको रूम दिखाते हैं अपना, ये हमारे रूम एंट्री, ये टीवी एसी, और ये हमारा बेड। तो आज का हमारा ये रूम है, और ये मैं, आज का हमारा ये रूम है, यहाँ पर हम आज स्टे करेंगे, और आपको ले चलते हैं अब हम गंगा मैया के तट पर। कि हम लोग आ चुके हैं गंगा मैया के किनारे, और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर मंदिर, और यहाँ पर आरती होती है। ये हर की पौड़ी है, इस जगह का नाम हर की पौड़ी है, और वहाँ पर गंगा मैया का मंदिर है, ये देखिए। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसे देखकर हम लोग का प्लान चेंज हो गया था। हम लोग को जाना था, मतलब रात ही रात चलना था, लेकिन हम लोग ने सोचा नहीं, आज हम लोग यहीं रुकेंगे और दर्शन करेंगे, इसीलिए हम लोग आज रुक गए, कल सुबह निकलेंगे यहाँ से। बहुत ही शानदार आरती होती है, आरती में तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है यहाँ, मतलब वाइब्स ही अलग आती है भाई यहाँ पर। हम लोग का टीका कैसा लग रहा है दिखा दो। बहुत ही शानदार, मेरे को तो शानदार लग रहा है, पर आप बताइए कैसा लग रहा है। बढ़िया है, यहाँ पर है ना हर की पौड़ी में बहुत ही अच्छी गंगा आरती होती है, जो कि मैं बता चुका हूँ, और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर। कभी आना हो तो हर की पौड़ी में गंगा आरती में जरूर आना, बहुत ही भव्य आरती होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम तट से बाहर आए थे मार्केट में, और यहाँ पर सिंगाड़े मिले हमको, तो वो खाते हैं, देख टेस्टी तो लग रहे हैं बहुत, आगे देखते हैं कैसे बहुत टेस्टी हैं। तो अभी मार्केट में हमें ये राधे राधे वाला फट्टा मिला है, और इसमें बहुत ही सुंदर राधे कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ पर। खाना नहीं खाना भैया, अभी खा लिया हमने। मार्केट बहुत अच्छा है, मज़ा आती है घूमने में, मतलब मन कुछ पैसे ना भी हो ना तो मन करने लगता है कि यार ये तो खरीद ही लें। यहाँ पर दिन में तो ठीक है, रात में और भी अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट वगैरह इतनी अच्छी लगी हैं, मतलब इतनी तेज जलती हैं, और बाजू में गंगा मैया हैं, तो अलग ही आनंद आता है यार, बिल्कुल वाइब्स ही अलग आती यहाँ पर। प्रभाकर कुछ कहना चाह रहा था, मैंने वीडियो बंद कर दी। क्या कहना चाह रहे थे प्रभाकर? मन लगा रहता है। हाँ सही बात है, जाने का मन नहीं करता। हाँ
वैसे हम लोग जा रहे थे तो अपन निकल जाते, मैं सोच रहा था कि कहीं और रुकने से अच्छे यहीं रुके। लाइट दिखी अपन, हाँ लाइट दिखी यहाँ की और बहुत अच्छी रौनक दिखी यहाँ पे, तो मन होने लगा रुकने का।